हेलो गिडोज़ आज हम करेंगे क्लास फोर मैथ ओलंपियाड की ये वर्कशीट मल्टीप्लिकेशन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 41 वन ऑनवर्ड्स लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 41 वन में हमको ट्रू या फॉल्स बताना है 41 वन का ए देखो नाइन टाइम ट्वेल्व इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट नाइन टाइम्स ट्वेल्व ट्वेल्व का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आ रहा है हाँ ये होगा ट्रू बी देखो 15 टाइम्स एट इज इक्वल टू एट मल्टीप्लाई फिफ्टीन तो जब भी हम टाइम्स लिखते हैं उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई फ़िफ्टीन मल्टीप्लाई एट करो या एट मल्टीप्लाई फ़िफ्टीन करो दोनों बराबर आएंगे ये भी ट्रू सी वन हंड्रेड थर्टी एट इज़ इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री का सिक्स में मल्टीप्लाई करके चेक कर लो वन हंड्रेड थर्टी एट आ रहा है ये भी हो गया ट्रू अब डी देखो फाइव टाइम्स ट्वेंटी फ़ोर इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर का अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करें तो देखो ये आया 120 क्या ये 125 के इक्वल है नहीं ये हो गया फॉल्स तो हमारा ऑप्शन बना ट्रू 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 और डी वाला फॉल्स विच इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 42 टू डॉली इज सेलिब्रेटिंग हर पपीज बर्थडे हुज नेम इज माइलो मैच द ऑब्जेक्ट इन लिस्ट वन विद लिस्ट टू टू हेल्प डॉली अरेंज मटीरियल फॉर माइलोज बर्थडे पार्टी लिस्ट वन में जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको लिस्ट टू से हमको मैच करना है ए में देखो यहाँ पे हमें बलून्स के सेट दिए हुए हैं ना तो एक दो तीन चार पाँच छः छः सेट हैं टोटल और हर सेट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फा, सिक्स बलून हैं तो सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स इसको थ्री वाले से मैच करेंगे बी में देखो यहाँ पे कप के सेट दिए हुए हैं और एक उसमें एक सेट में कितने कप हैं वन टू थ्री फोर फाइव फा, फा, सिक्स सेवन एट नाइन नाइन कप का एक सेट है और टोटल यहाँ पर चार सेट है तो ये हो गया नाइन टाइम्स फोर वन वाले से मैच करो सी में हमको बोन हड्डी दी हुई है और एक सेट में है चार चार आठ चार बारह बारह हड्डियाँ बारह हड्डियों के तीन पेयर हैं यहाँ पे ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ट्वेल्व फोर वाले से इसको मैच करेंगे और डी वाले में हमको दिए हुए हैं स्टार के दो सेट और एक सेट में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये थ्री सिक्स थ्री से एटीन एटीन स्टार्स हैं एक सेट के अंदर और यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं तो एटीन मल्टीप्लाई टू इसको टू वाले से मैच करेंगे हमारा पैटर्न बना थ्री वन फोर टू विच इज़ ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री बबली वॉज अरेंजिंग नंबर इन सम ग्रेड यूजिंग पेपर स्ट्राइब्स वेन हर किटी टोर सम नंबर ऑफ द ग्रेड बबली फाउंड दैट हर किटी टोर सेम नंबर फ्रॉम ऑल द थ्री ग्रेड्स कैन यू टेल द नंबर किटी टोर ऑफ इफ द आंसर ऑफ द वर्टिकल एंड द हॉरिजोंटल मल्टीप्लीकेशन इन सेम इन ईच ग्रेड अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें या ऐसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ रहा है और हमको ये क्वेश्चन मार्क वाले नंबर तीनों उसमें बताने हैं तो पहले वाला देखो एट मल्टीप्लाई एट ऐसे मल्टीप्लाई करके आ रहा है सिक्सटी फोर तो इसका मतलब फोर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि सिक्सटी फोर आ जाए इसका एक ईजी तरीका है सिक्सटी फोर को फोर से डिवाइड करके देखो और ये आया वन सिक्स सिक्सटीन तो अगर हम फोर में सिक्सटीन मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी फोर आ जाएगा ये नंबर तो हमको मिल गया अब सेकेंड वाले में आ जाओ यहाँ पे हमें वर्टिकल दिया हुआ है एट और सिक्स दिया है एट सिक्स फोर्टी एट थ्री में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि फोर्टी एट आ जाए इजी तरीका करते हैं फोर्टी एट को थ्री से डिवाइड करके देखो वन और ये आया सिक्स सिक्सटीन यहाँ भी अगर हम थ्री में सिक्सटीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी आ जाएगा ये नंबर भी मिल गया हमको सिक्सटीन अब तीसरा वाला देखो टेन मल्टीप्लाई एट और फाइव में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एट्टी आ जाए 80 को 5 से फटाफट से डिवाइड करके देखो फाइव 5 फाइव 5, और यह आया फाइव नंबर है तीनों पेयर में तो इज द आंसर क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लाइड विद अ नंबर एंड फाउंड एन आंसर हिज फ्रेंड जीनू मेड नाइन ग्रुप्स ऑफ अ नंबर एंड फाउंड दैट दैट हिज आंसर इज सेम एज जोजोज आंसर सो ही शेयर विद हिज सिस्टर जूनी जूनी टोल्ड जीनू दैट ही हैज इंटरचेंज द नंबर मल्टीप्लाइड बाई जोजो कैन यू फाइंड द आंसर बोथ जोजो एंड जीनू फाउंड तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में जोजो ने एक नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो वो एक नंबर हमने ए मान लिया और जीनू ने एक नंबर के नाइन ग्रुप्स बनाए तो नाइन ग्रुप्स नाइन मल्टीप्लाई हमने वो नंबर मान लिया बी और दोनों का आंसर सेम आ रहा है लेकिन बाद में जूनी ने जीनू को बताया कि उसने नंबर इंटरचेंज कर दिए तो अब अगर हम ए को नाइन मानते हैं और बी को थ्री मानते हैं क्योंकि नंबर इंटरचेंज हो गए ना तो यहां पे आंसर आ जाएगा नाइन मल्टीप्लाई थ्री ट्वेंटी सेवन या थ्री मल्टीप्लाई नाइन तो भी ट्वेंटी सेवन विच इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ब्यूटी कॉन्टेस्ट हेल्प डिम्पी मैच द मेकअप आइटम्स इन लिस्ट वन विद लिस्ट टू फॉर कैली टू अरेंज हर मेकअप किट तो लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमको मैच करना है ए में देखो ए में हमको यहाँ पे लिपस्टिक के कॉम्बोज दिए हैं कितने कॉम्बो है एक दो तीन चार पांच छः सात कॉम्बोज हैं और एक कॉम्बो के अंदर कितनी है चार लिपस्टिक हैं तो सेवन मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी एट इसको मैच कर दो थ्री वाले से बी में देखो यहाँ पे नेल पेंट के कॉम्बोज हैं और एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात नेल पेंट हैं और टोटल फाइव कॉम्बोज हैं तो सेवन फाइव सा थर्टी फाइव इसको वन वाले से मैच कर दो सी में यहाँ पे हमको बिंदी के पैकेट्स दिए हुए हैं और एक पैकेट के अंदर है पाँच बिंदियाँ टोटल पैकेट हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन पैकेट्स पाँच बिंदियाँ नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव इसको मैच कर दो फोर वाले से और डी में हमको काजल के पैकेट्स दिए हुए हैं एक पैकेट के अंदर तीन काजल है तो टोटल तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच और दस एक ग्यारह ग्यारह पैकेट्स हैं ग्यारह मल्टीप्लाई तीन काजल एक पैकेट के अंदर तो इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री इसको मैच कर दो टू वाले से पैटर्न हमारा बना थ्री वन फोर टू विच इज़ ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स अ ट्रेन हैज़ फोर कंपार्टमेंट देर आर सेवनटी टू पैसेंजर इन ईच ऑफ देम हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन द ट्रेन एक ट्रेन के अंदर टोटल चार कंपार्टमेंट हैं और हर कंपार्टमेंट के अंदर सेवेंटी टू पैसेंजर्स हैं तो टोटल कितने पैसेंजर्स हुए सेवेंटी टू प्लस सेवेंटी टू प्लस सेवेंटी टू प्लस सेवेंटी टू रिपीटेड एडिशन मतलब सेवेंटी टू को फोर से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा टू हंड्रेड एटी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन मिस्टर मल्टीप्लाई रोट सम फैक्ट्स ऑन द बोर्ड फॉर द स्टूडेंट्स अरेंज द फैक्ट फ्रॉम लोएस्ट टू हाइस्ट यूजिंग द आंसर्स ए बी सी डी का पहले आंसर निकालना है फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ए का आया फोर टू जै एट बी आया सिक्स टू जै ट्वेल्व सी थ्री थ्री जै नाइन एंड डी फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन अब इन नंबर्स को अरेंज करो छोटे से बड़ा तो सबसे छोटा हो गया ए एट फिर आ जाएगा नाइन सी देन आ जाएगा बी 12 एंड देन डी d15 तो पैटर्न बना acbd विच इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 48 मारियो सेल 8 पेंसिल ईच डे फ्रॉम हिज सप्लाई ऑफ 75 पेंसिल व्हेन विल ही रन आउट ऑफ पेंसिल क्वेश्चन में बोला है कि मारियो हर रोज 8 पेंसिल बेचता है और उसके पास सप्लाई स्टॉक है 75 पेंसिल का तो उसकी पेंसिल कब खत्म हो जाएंगी अब 8 का मल्टीपल हमको देखना है 75 तक जाना है तो एट जा तो एट्टी होता है एट्टी तो ज़्यादा हो गया इतनी सप्लाई तो नहीं है उसके पास एट नाइनज़ा सेवेंटी टू तो जब तक नाइन डेज में वो सेवनटी टू पेंसिल बेच पाएगा और टेंथ डे में उसके पास सिर्फ तीन ही पेंसिल बचेंगी सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी टू तीन पेंसिल बची तो टेंथ डे में उसका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा नाइन डेज नहीं टेंथ डे में क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन बहुत ही ईजी है ये जो हमको नंबर दिया है इसमें ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमको हटाना है तो देखो टू टू जा फोर ठीक है टू थ्री झा सिक्स ठीक है टू फाइव जा टेन ठीक है तो बीच में जो बचा टू फोर जा एट तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये भी सेम फोर्टी नाइन की तरह है बहुत ईजी है थ्री वन जा थ्री 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 झा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व तो यहाँ क्या आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स ऑप्शन ए और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन ऑनवर्ट्स हम करेंगे अगले वीडियो में जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय